हक कर लिया उसने, दोस्ती ने पूरा पूरा सीमा को ले। मेरा ऑफिस कितना छोटा लगता है जब ये लेटता है तो। चारी चारी। हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, तो आप पूरा जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। दोस्तों आज का दिन बहुत 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 एक्साइटिंग है, क्योंकि आज हम बहुत कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कोस्टू का बर्थडे। कोस्टू आज 6 साल का हो गया है, और लियो का 2 दिन पहले बर्थडे था, तो लियो का भी बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लियो आजा आजा, चल गिफ्ट में काट ले। और अबे क्या है यार ये। और तीसरा हमारे अनुराग बेमटे भाई का भी बर्थडे है, जो कि कल है, उसे भी हम आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और भाई आज तो भयंकर होने वाला है। सीमा एक्साइटेड है फिर तू पार्टी के लिए? सीमा कह रही है क्या तूने कभी पिज्जा नहीं खाया है ना? मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, तो आज पार्टी में सीमा तो पिज्जा खाएगी। ठीक है भाई, तेरे को ना लेमिनेट कर देगा, तू मैक्स की तरह मत समझना भाई, चाट देगा तेरे को, पूरा लेमिनेट कर देगा। मेरा ऑफिस कितना छोटा लगता है जब ये लेटता है तो। भाई हमने सीमा को बताया ना कि जो लक्कू का भाई है पक्कू, जो 4 पैरों पे चलता है, जो मेरे को उस दिन सवारी कराई थी ना जिसने, तो सीमा कह रही वो कहा है। मैंने कहा भाई वो आएगा अपनी मर्जी से आता है, वो हर समय आता नहीं है, वो कभी कभी आता है। और ले इतना प्यार सीमा आ गई तो भाई इनके मजे आ रहे हैं, अब तो खेल रहे हैं भाई ये दबा के दिन भर। गोस्टू यार 6 साल का हो गया, यकीन नहीं हो रहा भाई। इसको अंदर करना है दांत को, डर लग रहा है देख के, ढक ले से ऐसे। वो उसका लगी चल रहा है ना वहाँ पर। आज का दिन भाई बहुत ही क्रेजी होने वाला है, बहुत ही भयंकर ही क्रेजी होने वाला है। लक्कू मेरे को बताया क्यों है ना। आज तुम्हारा भाई खतरनाक प्लान है, खतरनाक। ओए उसको चैन से नहीं जीने देता यार ये मैक्स। गोस्टू चैन से लेट जैसा हो सकता है। अभी हम लोग जा रहे हैं जिम, और जिम के बाद फिर फटाफट आके काम भी बहुत सारा करना है, और आज तो भाई बहुत सारी पार्टी है। ए मैक्स परेशान लेटे तो उसे, बर्थडे उसका आज। भाई साहब गोस्टू से कुछ कहता नहीं है तो। ओले अच्छा अच्छा अच्छा, टॉय से भी खेलना है, गोस्टू से भी खेलना है, देख रहे हो ये। मैक्स सीमा तू भी लेट जाए इनके ऊपर जाके, तीनों। तू भी तो छोटा डॉगी है ही हमारा, बड़ा डॉगी, छोटा डॉगी, एक्चुअल डॉगी, छोटा डॉगी, छोटा का छोटा डॉगी। तो हम पहुंच गए हैं जिम, एज यूजुअल हम थोड़ा सा कार्डियो कर रहे हैं। मैंने सोचा कि भाई हर दिन जिम जाना है, चाहे मैं सुबह जाऊं, चाहे मैं दिन में जाऊं, चाहे मैं शाम को जाऊं, पर जाना जरूर है, जाना है तो जाना है। ये मैंने अपने लिए बना लिया, क्योंकि मेरा अक्सर काम की वजह से ना छूट जाता था वर्कआउट। तो अभी क्या है कि भाई जब भी टाइम हो, चाहे दिन में 4 बजे हो, दिन में 2 बजे हो, 10 बजे हो, जिम आना है तो आना है। दोस्तों हम आ गए हैं जिम से वापस, और गोस्टू मियां को आ रही है पॉटी, तो ये ले आया है हमें। और भाई यहाँ तो लगातार बारिश हो रही है, और इतनी मतलब सही हो रहा है ना, ठंडा ठंडा, बहुत ही मजेदार। टी शर्ट पहनी है ना, ठंड लग रही है पता। मतलब मेरे को पता नहीं था कि गोस्टू इतना दूर ले आएगा, पर ये पार्किंग में लेके जा रहे हैं हमें बहुत दूर। गोस्टू को प्रेशर बनाने के लिए ना चलना पड़ता बहुत ज्यादा, ये प्रॉब्लम है। ओए बंदर क्या खा रहा है, देख आम, मस्त करके आम खा रहा है ये। यार बारिश में अगर तू सिर्फ बकरी दिखाने लाया ना गोस्ट मेरे को, मैं बहुत मारूंगा तेरे को। बहुत जोकर है यार ये, बकरी देखनी है बारिश में यार। और कीचड़ कीचड़ हो रहा है, देखो कैसे मिलाया है शैतान हमें। दोस्तों गोस्टू ने हमारा काट दिया है यार, इसको पॉटी वॉटी कुछ नहीं आ रही थी, इसको खाली घूमना था, इसने बारिश में हमारा काट दिया है। हम भीग भी गए हैं, बिल्कुल गीले हो चुके हैं, और इसको मजा आ गए गोस्ट को, ठंडा ठंडा हो रहा होगा ना इसे। चलो जाओ, पूरा गीला हो गए हैं दोनों के दोनों, एकदम नहा गए हैं बारिश में। ये देखो पूरा गीले हो के आए हैं, पूरे गीले पानी से एकदम। देखो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना बर्थडे मनाने का ना बहुत 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 एक्साइटमेंट होती है, और अनुराग बेमटे हमारा भाई भी ऐसा ही है। ठीक है, तो पिछले बार उसके बर्थडे पे हमने क्या करा, मैंने पुनीत सुपरस्टार से बोला, मैंने कहा भैया प्लीज एक वीडियो पे चाहिए, उसने बोला 500 रुपए लूंगा, केक वेक की सारी बात हो गई। पर बेमटे एंड टाइम पे जब उसे पता लगा कि हम ऐसा कुछ सरप्राइज देने वाले हैं उसको, बेमटे फैल गया, नहीं भैया नहीं, ये तो करना ही नहीं है ना बेवकूफ। तो खैर इस बार हमने सोचा कि भाई पुनीत तो नहीं है, पर लक्कू, लॉर्ड लक्कू सुपरस्टार तो है, तो लक्कू ने कहा मैं बनूंगा पुनीत आज। तो लक्कू उसी की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ ऑफिस में ना हमारी प्रैक्टिस चल रही है बहुत तगड़ी, पूरा चैं करने वाला है ना लक्कू बेमटे के बर्थडे में, चैं, तो उसी चैं की प्रैक्टिस चल रही है। सीमा और
ये कर रहे हैं लक्कू प्रैक्टिस। क्या कर लिया गुप मत्तू? चीमा से टॉय ले रहा है? हक कर लिया उसने गोस्ती ने पूरा पूरा सीमा को ले। मक्को हक कर लेता है, मक्को ऐसे हाथ से ना पकड़ता है, ऐसे उसकी आदत है ऐसे पकड़ने की। इंसान है ना वो? बंदर, बंदर, इंसानी बंदर। उसी मगर टॉय है ना उसका। सुबह से इतना एक्सट्रीमली बिजी डे है हमारा और साथ में ही यहाँ पे इतनी सारी तैयारी चल रही है। और मैडम तैयारी ठीक चल रही है? और देखना नोट्स बना रहे लक्कू पे एंकर। सही है भाई, प्रिपरेशन अच्छे शो के लिए प्रिपरेशन चाहिए। असल में पिछली बार बेमटे को ना हम एक्चुअल में पुनीत सुपर साइज उसको बर्थडे विश करवा रहा था, वो भाई बिल्कुल मना कर दिया उसने। कह रहा नहीं 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 ये तो होने करना ही मत, प्लीज 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 माने ही भाई साहब। तो हमने कहा चलो अभी इतना बड़ा सोच सेलिब्रिटी ने उसे विश किया था पागल नहीं का, पर उससे ये बड़ा सेलिब्रिटी लक्कू सुपरस्टार लॉर्ड लक्षित विश करेगा आज उसको। क्या वाला मित्तू कहाँ जाएगा तू? आज तो लेपर्ड देखा, लेपर्ड देखा कैसा था? इसको नीचे घर जाना है और कुछ कहीं नहीं जाना है उन्होंने, सुसु कुछ नहीं। अच्छा बता तो सर कैसे फोटो खींचते हैं तो बता दे, ऐसे ये क्या होता है तो बता दे क्या होता है? मुझे नहीं पता। इसका मतलब होता है दिल का, मतलब होता है आई लव यू, ऐसे वो भी होता है और ये भी होता है। ये छोटा दिल है, वो बड़ा वाला दिल है जो तू बना रही है। ये टैटूज बनाए हाथ में? हाँ इसके बहुत टैटू हैं। दिखा ये टैटू ही टैटू है ना, मेरे भी तो है ही। रोज मिटाता हूँ, रोज मिटाता हूँ, रोज बनाता हूँ मैं, हर सुबह उठता हूँ बनाता हूँ सही में। और एक च्युइंगम देखिए तो एक टैटू बना दूंगा इसका, मैं रोज दो तीन च्युइंगम लेता हूँ, देख के बना देता हूँ टैटू। ये मैं बना दूंगा कल तेरा टैटू, ठीक है? हेलो कौन है तू? क्या करने आई है यहाँ? बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हूँ। किसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है? पुनीत सुपरस्टार का। ये नंगे करो कर चुपड़ी। ठीक है, मतलब पुनीत सुपरस्टार लाइट तो है तू, कोई दिक्कत नहीं। इस बार तो नाक एकदम सूखी भी, बाल बने हुए, इस बार तो मजा ही नहीं आ रहा सीमा को देख के। नाक ही नहीं बहरी है इस बार तो सीमा, ढंग से पहने हैं। अरे वाह, कोठे बंगले वाली लड़की तो यही लग रही है भाई। एक्चुअली मेरे ना एक क्लाइंट आने वाले हैं तो उस वजह से हम अभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं गोस्टू और लियो का। तो एक काम कर सीमा, तेरे को घर में पिटाई तो नहीं होगी लेट होने से? होगी पिटाई तो तू जा फिर, तेरे को पिज्जा कल खिलाऊंगा ठीक है, और केक भी और पिज्जा भी। सेलिब्रेट करके जाएगी, डांट पड़ेगी घर में। सात बज गए एग्जैक्ट टाइम नहीं। चल जा जा जा, कल खिला दूंगा पिज्जा पक्का, मेरी पक्का पार्टी। खाले डांट खाएगी ना, अच्छा नहीं लगता फिर। कल वो मना करेंगे है ना, रोज आना है ना। चल बाय बाय। अब यार वही है ना, लेट हो जाएगा घर वाले फिर अगले दिन से आने नहीं देंगे, तो कोई नहीं सेलिब्रेट कर लेंगे, कोई इतना इशू थोड़ा है। फाइनली बारिश हो गई भाई, हम बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि ये बरस जाए भाई, रात को ना बरसे बर्थडे पार्टी के टाइम पे पेमटे की। और भाई इतनी मोटी बूंदे पड़ रही है ना, ओले हैं, ओले हैं, आवाज तो लग ही रहा है भाई। सही है भाई, बहुत ब्यूटीफुल नजर है। दोस्तों फाइनली इट इज टाइम टू सेलिब्रेट लियो एंड गोस टू बर्थडे। और देखो कुत्तों को बर्थडे बर्थडे का तो क्या ही पता रहता है ना, पर एक चीज अच्छी होती है कि मम्मू इसमें ना डॉग वाला केक बनाती है, डॉग केक जो इनको बहुत ज्यादा पसंद है। तो बस हमें ये खुशी होती है कि आज इनके लिए स्पेशल दिन है, इनको तो नहीं पता, पर ये अच्छा अच्छा केक खाएंगे तो इनका दिन स्पेशल हो जाएगा। तो चलो गोस्टू और लियो को बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो फाइनली अब हम बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं आज, इतना खूबसूरत केक बनाया है, क्या केक है वाओ। हैप्पी बर्थडे गोस्ट एंड लियो। हैप्पी बर्थडे गोस्टू, हैप्पी बर्थडे लियो, हैप्पी बर्थडे। ये 1 साल का हो गया, ये 6 साल का हो गया। हैप्पी बर्थडे। उनकी तरफ से तो काट नहीं पाएंगे। हैप्पी बर्थडे ओले, इस करे तो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सबका बर्थडे। चलो बर्थडे हमारा डॉग फ्रेंडली केक है। हाँ ये भाई स्पेशली मम्मू ने इनके लिए बनाया है। लियो आराम से खाया यार, बाप रे हाथ ही काट देगा, बाकी चिंटू खाएगा ठीक है। चिंटू अभी नौकरी में गया है ना तो काम नंदे वाला हो गया वो। चलो चलो बाकी चिंटू। दोस्तों चिंटू
चिंटू के बारे में मेरे को आपसे दो मिनट बात करनी है। मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि यार आपने चिंटू को अकेले क्यों बांधा हुआ है। अभी भी पिछले व्लॉग में भी कमेंट था कि चिंटू को बारिश में क्यों बांध रखा है, कि चिंटू ऐसे अकेले ही बांधा रहता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों यार, क्या बात करते हो आप। हमारे घर का बच्चा है, वो ऐसे थोड़ा उसको रखेंगे यार। देखो चिंटू का अपना शेड्यूल है, चिंटू सुबह 9 बजे जाता है अपनी ड्यूटी पे, और आपने अगर पुराने व्लॉग देखे हैं तो वो हमारे कैफे के यहाँ पे बैठा रहता है ऊपर खुला, उसका एक एरिया जहाँ पे खुला रहता है वहाँ पे वो मतलब घूम सकता है आराम से, घूमता फिरता है लोगों को देखता है। पर देखो चिंटू का ना, बिकॉज ही इज अ गार्ड डॉग, उसका एक टाइम शेड्यूल है ऑटोमेटिक, तो शाम को चिंटू को यहीं पे ही बैठना अच्छा लगता है। बेसिकली चिंटू एक लंबी वॉक पे जाता है, वहां से आता है तो फिर उसको यहीं पे हम बांध देते हैं। और हम इसको क्यों बांधते हैं उसका भी एक रीजन है। देखो गार्ड डॉग है, हमारा कैफे है, लोग आते हैं, कहीं किसी को काट दिया चिंटू ने, चिंटू को लगेगा यार ये सस्पिशियस सा लग रहा है बंदा, कोई छपरी बेरोजगार नल्ला टाइप का बंदा आ गया ऐसे जटा वटा लेके, चिंटू को लगा उसको पेल दिया चिंटू ने, समझ रहे हो ना। तो इसलिए चिंटू को बांधना जरूरी है। दूसरा भाई वो जंगल वंगल में भाग सकता है ना, इसलिए चिंटू को बांधते हैं। पर चिंटू को वहां पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, और उसको बारिश में नहीं बांधा था, अरे बारिश बंद हो गई है, चिंटू को वहां पे अच्छा लगता है, चिंटू खुद ही कुकू करता है वहां पे बांधो बोल के, ठीक है। तो टेंशन मत लो, चिंटू ना हमारे तीनों बच्चों से बहुत अलग है, लियो मक्कू गोस्टू से बहुत अलग है। वो एक गार्ड डॉग है, वो खाता भी बहुत कम है, उसका शेड्यूल बहुत अलग है, उसके इंस्टिंक्ट्स बहुत अलग है, क्योंकि उस पर माँ का अपनी माँ के गुण आए ना चिंटू पे, तो बहुत ही अलग है यार चिंटू, बहुत ही अलग है। और दूसरा लोग मेरे से कहते हैं चिंटू को ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते। अब यार चिंटू सुबह 9 बजे चले जाता है और फिर रात को 9 बजे आता है, वो मैं कब तो ब्लॉग में सुनूँ, कैसे तो लूँ मैं। और एक दो दिन मैंने मम्मू को बोला इसको जाने मत देना, भाई चिंटू ने हल्ला मचा दिया, रौला काट दिया, उसको जाना है तो जाना है भाई, उसको इतना पसंद है ना अपना काम करना। गार्ड डॉग्स जो वर्किंग डॉग्स होते हैं ना दोस्तों, उनकी जिंदगी का मोटिव ही काम करना है, तो उनको उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए भाई कडलिंग फटलिंग, उनको अपना काम करना है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप लोग इन बच्चों की कितनी केयर करते हो। सो थैंक यू सो मच इतना ख्याल करने के लिए, इतना केयर करने के लिए। अब दोस्तों लियो और गोस्टू का बर्थडे तो मन गया, अब भाई बम फाड़ वाला बर्थडे बनने वाला है हमारे बेमटे भाई का। चलो भैया हम जा रहे हैं, ऑल सेट इन ऑफिस। बहुत बढ़िया, तू ये पहन के जाएगा भाई बाजार में उतार ले से। अच्छा बाजार में वॉक करना? नहीं मैं पहन सकता हूँ बाजार में। तो फिर चलो आप लोग, मैं पीछे मैं फोन में बात करते हुए। हमारे सारे काम खत्म, क्लाइंट से मीटिंग भी हो गई, बेमटे भाई फोन कर करके इतना वो एक्साइटेड है। चले अब जरा भाई के बर्थडे में। हम पहुंच गए हैं, प्लग को दिखाइयो। हाय बहुत सुंदर लग रही है यार ये। चलो 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 हेलो। अरे दादी हाँ सर, बर्थडे में भाई कितने साल का होगा, जूती चुम्मियां मिलेंगी इसको लक्कू से। अरे बाप रे बाप, तो प्लान ये है कि केक हम काटेंगे और फिर उस केक को बेमटे के लगाएंगे एज यूजुअल, जैसे ही लग रहा होगा बेमटे उसी में इन्वॉल्व होगा, तभी प्लग को आ जाएगा और जब वो सब खत्म होगा लक्कू का स्पीच भिख मंगे नल्ले वाला, वैसे दूसरा केक आएगा बेमटे के मुंह में। बहुत फुल फोकस में लक्षित ना, मतलब परफॉर्मेंस से पहले आर्टिस्ट का फोकस रहता है भाई। बहुत तगड़ा होना है, बहुत तगड़ा होना है। कड़कनाथ के चाहने वालों बना ले बना ले बना ले। चलो बेमटे सर, चलो भाई गाना बंद करो भाई। चलो भाई चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एवरी टाइम चेरी चेरी ये
यहाँ गया हमारा नंगा बेरोजगारी, बड़ी बड़ी कोटियों के लड़के बड़ी बड़ी कोटियों की लड़की को फंसाते हैं और फिर बोलते हैं नल्ला बेरोजगार छुपी। हाड़ है यार। अब एक्चुअल केक आ गया है। बर्थडे से पहले ही बर्थडे बन गया भाई, इतना खतरनाक देख रहे हो। क्या नया मुखी में बोल दे रहे हो? चेरी 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 अंदर चार। अब लग रहा है ना बर्थडे गिरनी नीचे है चेरी। गलत बैलेंस करो। ब्लॉग में सब दिख जाएगा किसने कपड़े खोल लेते किसने मारा था। कपड़े तो चलो जिसने भी खोले अंडा भी मारना चाहिए था। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। बर्थडे है। आओ कितना देर बच गई? आओ दो मिनट में। हो गया। दोस्तों बर्थडे खत्म हो गया। दोस्तों मैंने पूरा शूट नहीं किया क्योंकि भाई बहुत सारे लोग थे, हमने फिर पार्टी करी, खाना वाना खाया एंड देन फाइनली बर्थडे खत्म करके हम आ गए घर वापस मक्कू गोस्टू के पास। हाँ जी, तो मैं आ गया हूँ घर वापस और भाई क्या क्रेजी पार्टी थी। घर आते हुए मेरी पहली ड्यूटी यही होती है कि भाई इसको पूरा बर्फ से भर दो। मैंने अमेजोन से नहीं बर्फ वाले मंगाए थे तो ये भाई सही है, मैं पानी भर दिया था मैंने सुबह तो बर्फ जम गई थी, पूरा इसको भर दिया। पता नहीं भाई इससे ठंडा होगा नहीं होगा, पर चलो ये बस ये है कि फीचर है तो मैंने भर दिया भाई। सुबह तक अगर ये ठंडा कर देगा और तो गोस्टू के लिए अच्छा हो जाएगा, गोस्टू ऑफिस जाएगा। दोस्तों घर आके एज यूजुअल मेरी ड्यूटी मक्कू गोस्टू को सुसु पॉटी कराना, देन उनके कूलर में बर्फ भरना, वो सब करके फाइनली मैं भी सो गया। एंड इस वीडियो को भी अब दोस्तों यहीं पे ही हम एंड कर रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो देखने में बहुत मजा आया हो, बहुत हंसी आई हो। भाई हमें एडिट करते हुए इतनी हंसी आई, पेट में दर्द हो गया भाई बनाते हुए, इसलिए मैंने इतने जल्दी एडिट करके फटाफट आपको दिखा दिया है वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ आप। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। चैनल ये वाला चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ऑलरेडी 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए भाई, अनबिलीवेबल। सो दोस्तों अब मिलते हैं अगले एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके बाय।